हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जुरासिक वर्ल्ड का लेटेस्ट पार्ट, जहां ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स इंसानों के बीच आ गए हैं और इससे इन दोनों के सर्वाइवल पर एक सवाल खड़ा हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक शिप को देखते हैं जो अलास्का के समुद्र में फिशिंग कर रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उन पर अटैक कर देता है और इससे उनका शिप डूब जाता है। एक न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि जुरासिक पार्क वाली घटना के बाद से ही ये डायनासोर इंसानों के बीच आ गए हैं और इससे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। इन सब से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो है डायनासोर्स की ब्लैक मार्केट, जहां लोग इन एनिमल्स को इलीगली खरीदते हैं। और इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बायोसिन नाम की एक रिसर्च कंपनी से टाई अप किया है, जिसका मालिक है लुइस नाम का आदमी, और वो अपनी फैसिलिटी में डायनासोर पर रिसर्च करते हैं ताकि इन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सके। आगे हम एक लेडी क्लेयर को देखते हैं जो डायनासोर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और आज वो एक इलीगल ब्रीडिंग सेंटर से एक डायनासोर को छुड़ाने आए हैं। तभी वहाँ की सिक्योरिटी उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो लोग किसी तरह उनसे बच निकलते हैं। वहाँ उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वैसे तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन इसे करने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही नहीं है और अब हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। यही दूसरी तरफ हम क्लेयर के बॉयफ्रेंड ओवेन को देखते हैं, जो खुद भी स्ट्रे डायनासोर्स को एक सेफ जगह पहुंचाने का काम करता है और जुरासिक पार्क का ट्रेनर होने के कारण उसे अपने काम में बहुत महारत हासिल है, लेकिन वो नहीं जानता कि एक डेलाकोट नाम का पोचर उस पर नजर रखे हुए है। आगे हम एक लड़की मैसी को देखते हैं, जिसे क्लेयर और ओवेन ने सबसे छुपा कर रखा है, लेकिन वो अपने अकेलेपन से बहुत परेशान है और उनके मना करने के बावजूद कभी कभी छुपकर टाउन में चली जाती है ताकि अपने अकेलेपन को दूर कर सके। क्लेयर उसे समझाती है कि तुम्हारा बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन मैसी को तो ये सब एक जेल की तरह लगता था और वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी। क्लेयर इस बारे में ओवेन से बात करती है, लेकिन वो बताता है कि बायोसिन वाले मैसी को पकड़ना चाहते हैं और हमें उसे किसी तरह उनसे दूर रखना होगा। यही हम ओवेन की पुरानी डायनो फ्रेंड ब्लू को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ पास ही के एक जंगल में रहती है और उसे सरवाइव करने का तरीका सिखा रही है। आगे का सीन टेक्सास के एक फार्म का है, जहाँ एक लड़का एक बड़े से बग को देखता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, हजारों बग्स उनके फार्म पर अटैक कर देते हैं। वो और उसकी बहन बचने के लिए एक शेड में आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक बग उनके पीछे अंदर आ गया है और वो लड़का एक बकेट से उसे पकड़ लेता है। एली नाम की एक साइंटिस्ट इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने आती है और नोटिस करती है कि जिन लोगों ने बायोसिन की सीड्स यूज किए हैं, बग्स ने उनकी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और इससे उसे बायोसिन पर शक होने लगता है। मदद के लिए वो अपने दोस्त एलन के पास जाती है, जो जुरासिक पार्क में उसके साथ काम कर चुका था और एक टाइम पर वो एली को बहुत पसंद करता था। एली उसे वो पकड़ा हुआ बग दिखाती है और कहती है कि मैं बायोसिन में जाकर इसकी जांच करना चाहती हूँ, ताकि वहाँ के सैंपल को इस बग से मैच कर सकूँ और प्रूव कर सकूँ कि ये सब बायोसिन का ही काम है। एलन को ये थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन एली उसे बताती है कि उनका दोस्त यान इस वक्त बायोसिन के साथ है और वो इसमें हमारी मदद करने वाला है। फिर यान उनके लिए एक प्लेन अरेंज करता है और वो दोनों बायोसिन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बायोसिन के लोग ब्लू के बेबी को उठा लेते हैं और मैसी भी उनके हाथ लग जाती है। ओवेन देखता है कि इसके पीछे उस पोचर डेलाकोट का हाथ है और वो तुरंत ये बात आकर क्लेयर को बताता है। तभी ब्लू अपने बच्चे को ढूंढते हुए उनके कैबिन तक आ जाती है और ओवेन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ढूंढकर वापस ले आएगा। क्लेयर अपने पुराने दोस्त फ्रैंक को फोन करती है, जो अब CIA की डायनासोर यूनिट में है, और वो उन्हें बताता है कि डेलाकोट को हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और उसकी ट्रेडिंग माल्टा नाम की कंट्री से होती है। वो माल्टा में अपने एजेंट बैरी से मिलने को बोलता है और बताता है कि वो मैसी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इधर एलन और एली बायोसिन तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रैमजी नाम के कोऑर्डिनेटर से होती है और वो हेलीकॉप्टर से उन्हें फैसिलिटी की ओर ले जाता है, जो पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में बनी है। आगे वो कंपनी के मालिक लुइस से मिलते हैं, जो उनके जैसे एक्सपर्ट को देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि हम भी DNA टेक्निक से फ्यूचर को और बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर वो अपने दोस्त यान से मिलते हैं, जो उन्हें वॉर्न करता है कि लुइस बग्स के थ्रू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और चुपके से उन्हें अपना एक्सेस कार्ड देता है, ताकि वो लैब में जाकर बग्स का एक सैंपल निकाल सके। यहीं लुइस अपने एक साइंटिस्ट हेनरी से मिलता है, जिसने इन बग्स के DNA को अल्टर किया है, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, वरना बग्स पूरी फूड सप्लाई को नष्ट कर देंगे।
तब लुईस उसे समझाता है कि बग्स तो बस एक साइड प्रोजेक्ट है और हमें तो अपनी डीएनए टेक्निक पर काम करना है, जिसके लिए मैंने मैसी और उस बेबी डायनासोर को पकड़ लिया है। और ये सुनकर हेनरी भी उसकी बात मान जाता है। फिर लुईस अपने साथी सैंटोस को कॉल करता है, जो माल्टा में मैसी को रिसीव करने आई है, और वो डेलाकोर्ट से उसकी डिलीवरी लेती है। यही हम उनके पायलट कायला को देखते हैं, जो डेलाकोर्ट से मैसी के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे अपने काम से काम रखने को बोलता है। इधर ओवन और क्लेयर बैरी से मिलते हैं और वो उन्हें सिटी में बनी एक ब्लैक मार्केट में ले आता है, जहाँ डायनासोर्स की इलीगल ट्रेडिंग होती है। यही क्लेयर की मुलाकात कायला से होती है, जो खुद भी एक अमेरिकन ही है, और यही सोचकर क्लेयर उससे मैसी के बारे में पूछती है, लेकिन कायला कहती है कि वो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। तभी वो लोग डेलाकोर्ट को आते हुए देखते हैं, जो सैंटोस के साथ एक और डील कर रहा है, लेकिन अचानक CIA उस पर अटैक कर देती है। इससे हुई भगदड़ से कुछ डायनासोर आजाद हो जाते हैं और डेलाकोर्ट उनके बीच फंस जाता है। ओवन उससे मैसी के बारे में पूछता है और डेलाकोर्ट बताता है कि इसके लिए तुम्हें सैंटोस के पीछे जाना होगा, और तभी एक डायनासोर उसे मार डालता है। ओवन ये बात क्लेयर को बताता है, जो ऑलरेडी सैंटोस के पीछे लगी हुई है, लेकिन सैंटोस अपने ट्रेन किए हुए डायनासोर्स को उसके पीछे लगा देती है। क्लेयर उनसे बचकर भागने लगती है और तभी हम देखते हैं कि कायला वहाँ उसकी मदद करने आई है और उसे अपने साथ एयरपोर्ट की ओर ले जाती है। क्लेयर के कहने पर ओवन भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन सैंटोस लेजर से उसे भी माफ कर देती है और उसके डायनासोर ओवन का पीछा करने लगते हैं। उधर कायला अपना प्लेन स्टार्ट करती है और ओवन भी बचता हुआ उन तक पहुंच जाता है और वो लोग वहां से बच निकलते हैं। ओवन कायला से पूछता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, और तब वो बताती है कि मैसी को यहां उसके प्लेन में ही लाया गया था और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। उधर मैसी और वो डायनासोर भी बायोसीन तक पहुंच जाते हैं और मैसी हेनरी से पूछती है कि आखिर हमें यहां क्यों लाया गया है। तब हेनरी उसे बताता है कि ब्लू में हमने एक मॉनिटर लिजर्ड का DNA डाला था, जिससे उसने बिना पार्टनर के भी एक बेबी कंसीव कर लिया, और इसीलिए ये दिखने में बिल्कुल ब्लू के जैसी है। फिर वो उसे उसकी मॉम शार्लेट के बारे में बताता है, जो खुद भी यहाँ एक साइंटिस्ट रह चुकी है, और इसी DNA टेक्निक की मदद से उसने मैसी को भी जन्म दिया है। हेनरी उनके DNA को स्टडी करना चाहता है, ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर बना सके, और इसी से वो एक ऐसा पैथोजन बनाएगा जिससे वो इन बग्स के झुंड को खत्म कर सकता है। यही दूसरी तरफ हम एलेन और एली को देखते हैं, जो छुपकर बग वाली लैब में आ पहुँचे हैं और एक बग से उसका DNA सैंपल लेने में कामयाब हो जाते हैं। उधर मैसी मौका देखकर उस बेबी डायनासोर को फ्री कर देती है और एक शाफ्ट से होते हुए बाहर निकल जाती है। लुईस उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट करता है, जिसकी आवाज से वो सारे बग्स जाग जाते हैं और एलेन और एली पर अटैक करने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें सामने मैसी नजर आती है और वो उसे भी अपने साथ चलने को कहते हैं। कायला भी ओवन और क्लेयर को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उन पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि उनके पास एक ही पैराशूट था, तो वो क्लेयर को उसमें डालकर रिजेक्ट कर देते हैं और खुद बायोसिन फैसिलिटी में क्रैश लैंड कर जाते हैं। इधर एलेन और एली एक बार फिर रैमजी से मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो उनका साथ देना चाहता है और ये बग्स वाली खबर भी उसी ने यान को दी थी। वो उन्हें एक पोर्ट में बिठाकर एयरपोर्ट तक जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ एक प्लेन तुम्हारा वेट कर रहा है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं, जिसका सामना एक बड़े से डायनासोर से होता है। वो उससे बचने के लिए खुद को पानी में छुपा लेती है और उसकी जाते हुए बायोसिन फैसिलिटी की ओर निकल पड़ती है। ओवन और कायला भी क्रैश से बच निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके सामने एक डायनासोर खड़ा हुआ है। डायनासोर उन्हें मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। उधर लुईस को पता चलता है कि इयान ने ही एलेन और एली को उस बग्स लैब में भेजा था और अब वो दोनों मैसी को लेकर भाग रहे हैं। ये देखकर वो उनके पोर्ट को डिसेबल कर देता है और पोर्ट एक पुरानी माइन के पास रुक जाती है, जहाँ से निकलकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। उधर लुईस यान को फायर कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारी चालाकी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे दोस्त माइन में मरने वाले हैं। फिर वो रैमजी को उसे फैसिलिटी से बाहर निकालने को बोलता है, लेकिन वो एक गाड़ी देकर यान को जंगल की ओर भेज देता है, जहाँ से वो एलेन और उसके दोस्तों की मदद कर सकता है। उधर माइन में उन तीनों का सामना कोई डायनासोर से होता है, लेकिन वो देखते हैं कि बाहर जाने का गेट तो लॉक पड़ा हुआ है। तभी उनकी मदद करने इयान वहां आता है और रैमजी की मदद से उन्हें बाहर निकाल लेता है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं, जिसका सामना एक और डायनासोर से होता है, लेकिन तभी ओवेन और कायला वहां आकर उसे बचा लेते हैं।
उधर लुई सुनबर्ग्स को नष्ट करने जाता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना रहे, और वो लोग उस लैब में आग लगा देते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो बग्स लैब को तोड़कर भाग निकले हैं और उससे जंगल और फैसिलिटी में आग लगना शुरू हो जाती है। बग्स के कारण यान की जीप एक खाई में जा गिरती है, जहाँ उनकी मुलाकात ओवेन और उसके दोस्तों से होती है। ओवन और क्लेयर मैसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हमें जल्दी से इस आउटपोस्ट के अंदर जाना होगा। तभी अचानक वहाँ एक जैकेंटोसोरस आता है और वो उसे बचते हुए उस आउटपोस्ट पर चढ़ने लगते हैं। जैकेंटोसोरस मैसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक लोहे के जाल की वजह से बच जाती है और वो लोग उसे तुरंत ऊपर खींच लेते हैं। जैकेंटोसोरस भी उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन तभी यान उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और एक जलते हुए बग को उसके मुंह में डाल देता है और इसका फायदा उठाकर वो सब अंदर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ शायद वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो आउटपोस्ट भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाती और तब ये लोग टेजर और नाइफ यूज करके अपनी जान बचाते हैं। लुइस को ये तबाही देखकर बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी उसे वो जगह खाली करानी पड़ती है। इधर कायला सबको बताती है कि फैसिलिटी की छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा ताकि फ्लाइंग डायनासोर उन पर अटैक ना कर पाए, और ये सुनकर वो टनल के थ्रू मेन बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। वहाँ कंट्रोल रूम में उन्हें रेमजी मिलता है, जो बताता है कि एयर डिफेंस को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है और उसके लिए हमें प्राइमरी सिस्टम को बंद करना होगा, और क्लेयर कहती है कि ये काम मैं और एली करने जाएंगे। तभी मैसी उन्हें ब्लू के बेबी की याद दिलाती है और इस काम की जिम्मेदारी ओवन उठाता है, क्योंकि उसने ब्लू से इसका प्रॉमिस किया था। कायला भी हेलीकॉप्टर को रेडी करने चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्डिंग के मेन कंपाउंड में मिलूंगी। आगे हम लुइस को देखते हैं, जो हाइपरलूप से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी क्लेयर प्राइमरी सिस्टम को शट डाउन कर देती है और इससे उसका पोर्ट रुक जाता है। लुइस एक टनल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि सामने से कुछ डायनासोर्स आ रहे हैं और वो सब घेर कर उसे मार डालते हैं। उधर ओवन भी ब्लू के बेबी को ढूंढ लेता है और एक डार्ट से बेहोश करके वो उसे अपने साथ ले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि हेनरी वहाँ उनसे मिलने आया है और बताता है कि मैसी के डीएनए से हम उन बग्स को रोक सकते हैं, और मैसी भी कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर उन्हें कायला का मैसेज मिलता है, जो उन सभी को बाहर बुला रही है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो हर तरफ डायनासोर्स फैले हुए हैं। तभी वो जैकेंटोसोरस वहाँ आता है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुँचाने से पहले उसकी लड़ाई एक टीरेक्स से हो जाती है। ये सब भी उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और कायला उनको लेकर फैसिलिटी से बाहर निकल जाती है। जाते हुए वो देखते हैं कि वहाँ एक और डायनासोर आ पहुँचा है और टीरेक्स और उसने मिलकर जैकेंटोसोरस को मार डाला है। आगे हम उन सभी को बेस पर देखते हैं, जहाँ मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है। एक न्यूज रिपोर्ट हमें बताती है कि बायोसिन कंपनी अब बंद हो चुकी है और डॉक्टर हेनरी ने भी अपना पैथोजन बना लिया है, जो धीरे धीरे उन बग्स को खत्म कर देगा। बायोसिन वैली को एक ग्लोबल सेंचुरी बना दिया गया है, जहां डायनासोर्स अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हैं। एली और एलन भी एक साथ रहने का फैसला करते हैं और कायला ने अपने प्लेन को फिर से ठीक कर लिया है। उधर ओवन ब्लू को उसका बेबी वापस करता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और आंखों ही आंखों में ओवन को थैंक्स बोलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि डायनासोर्स ने भी इस नए चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।